देखिए सुंदर, ये हमारे देवली के वाटरफॉल है। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, आपको ये लोकेशन दिख जाएगी। ये देखिए क्या धारा बह रही है, ऐसे गोवा में देखा है वैसी वैसी वाली है बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नेहा मैथिली में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ फिर से लाइव सेकेंड डे ऑफ देवली अपने भटाम गधेरे से। आज हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो गया और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो हमने सोचा पहले सबसे मंदिर जाके आते हैं, वो मंदिर जिसकी यहाँ बहुत मान्यता है, वो शिव जी का मंदिर है पहाड़ों में। और वो ऐसी जगह पे बना हुआ मंदिर है, मतलब हम किसी जगह में कोडार जगह है उसमें बना हुआ है, कि आप देखते ही उसका नज़ारा जो है ना बहुत अद्भुत है, उसको ही देखने आज हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए पीछे ये मेरा गांव है, देख के तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा, हमें तो अच्छा लगता ही है। तो आज जो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से हम अपने एक घर से दूसरे घर में आ रहे हैं। मम्मी अभी नीचे ही है, बातचीत करके यहाँ से निकलते हैं। हेलो, आ जाओ ऊपर, वीडियो बनाऊंगी जल्दी से डांस वाली। देखा बच्चे ऐसे दौड़ते हुए आए, अभी उनके साथ डांस वाली वीडियो बनेगी। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोडार के लिए। कोडार मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। मैं आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा लगता है वो दूर से। मैं और वैसे गई हुई हूँ पहले, बट मम्मी और हस्बैंड नहीं गए थे तो हमने सोचा आ जाओ। फिर मैंने सोचा कि इनको भी एक बार लेकर कर जाते हैं। शिव जी का मंदिर है, शिव जी को सभी, भोले को सभी मानते हैं, और पहाड़ों में भोले का निवास वैसे ही होता है। अभी यहाँ देखो मेरी भतीजी आ रही हैं दौड़ती हुई, वो देखो दौड़ते हुए आ रहे हैं। और एक इन्हें वीडियो चाहिए मेरे साथ, अभी इनके एक वीडियो बनाती हूँ डांस की। मैं पहाड़न ठुमका पहाड़ी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जय हो इष्ट देवता। हम लोगों की सवारी जर्नी यहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के स्टार्ट हो गई है। यहाँ से जिस मैंने जो बताया 4 से 5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, कोडार जगह है। वहाँ पे एक्चुअली एक मेरी मौसी भी रहती है, मौसी बोले तो मम्मी की बड़ी बहन ताई जी, कज़न, मम्मी की कज़न दीदी। तो हम लोग शायद वहाँ भी जा सकते हैं, हो सकता है। मम्मी ने बताया क्या, मैं भी गई हुई हूँ वहाँ। मम्मी ने ये बताया कि वहाँ भी जा सकते हैं, कि वहाँ मेरी आमा का ननिहाल है, वो भी वहीं पे ही है। आमा का मायका को, सॉरी ननिहाल नहीं, पापा का ननिहाल है, मेरे पापा का ननिहाल और मेरी आमा का मायका हो गया। तो आमा तो रही नहीं, लेकिन वहाँ पे लोग जो है बातचीत सबसे होती रहती है मम्मा लोगों की। हम जाते भी रहते हैं जब भी इधर आने का मौका मिलता है, जब भी आते हैं। तो सोचा अगर टाइम मिल गया मंदिर से, थोड़ा जल्दी फ्री हो गए क्योंकि हमें अपने गांव के मंदिर भी जाना है, तो हम वहाँ भी होके आएंगे। यहाँ जो कल रात इतनी बारिश हुई है ना, मूसलाधार बारिश कहते हैं ना, जो इतना ठंडा हो गया था, मस्त मौसम हो गया था, दिन भर धूप थी, धूप में खड़े हो गर्मी हो गई थी हम लोगों को, छाया में खड़े थे तो नॉर्मल लग रहा था, और अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। दिन में मतलब सही चल रहा है, धूप चल रही है, शाम को बारिश हो जा रही है, मौसम ठंडा भी है, दिन भर सबके काम भी हो जा रहे हैं। जैसे हम लोगों का हुआ, हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमने भी थे कल, और आज शाम को हमारे को वापसी जाना होगा, मतलब कल मॉर्निंग में ही 2-3-4 बजे, आई डोंट नो, पता चलेगा तो तभी। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कोडार, जो मंदिर, जो मेन मेरी जगह जाने की थी, जिस पर्पज़ से मुझे था कि मैं जब गाँव आऊँगी तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। देखिए हमारे वहाँ का वाटरफॉल, और ऐसे हमारे रास्ते में ना बहुत आते रहेंगे। मैं आगे आपको आगे का भी सीन दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम, धूप कहीं छाओ, मस्त मौसम के साथ देखिए यहाँ का वाटरफॉल दिखाती हूँ। हमारे पहाड़ों के वाटरफॉल ऐसे होते हैं, लोग इसको देखने के ना पैसे लेकर आते हैं और हम फ्री में देखते हैं, फोन ना गिर जाए कोई। यहाँ से मैं चलती रहती हूँ, आप ये कहोगे ना कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं देखो, ऐसे हमारे यहाँ पे ना, अभी हम कितना चले, 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर के अंदर 4-5 झरने ऐसे आ चुके हैं। ये होती है बात पहाड़ों की, मतलब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा गांव ऐसी जगह में ना, आपको यहाँ पानी की कमी भी नहीं मिलेगी, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर जो मैंने दिखाया बिल्कुल रोड पर ही है। और ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि रोड आ जाइए,
हम जब छोटे थे बस भी उतरती थी तो हम बिल्कुल गेट पे उतरते थे, तो गांव आने में ना हम इतने खुश रहते थे। बट जैसे बताया, मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, ननिहाल जो मेरा था वहाँ हमें बहुत चलना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा। जाते तब भी थे बट चल के रो रो के जाते थे कि जाना है जाना है, जाना भी है और टेंशन भी लेनी है। यहाँ आने में हम हमेशा खुश रहे हैं और अपना एक महीना डेढ़ महीना यहीं पे हमने एंजॉय किया हमेशा। गर्मी की छुट्टियाँ हमारी देवली में रहती सभी भाई बहनों फैमिली के साथ। चलते रहो अभी आगे है अभी आने वाला है। वो एक घर आता है ना, मेरे को तो उसी से समझ आता है। अच्छा वो वाला? हाँ कोणार का घर जो आता है। अभी आपको मंदिर दिखाऊंगी, अभी आपको मंदिर दिखाऊंगी क्या मंदिर है। जैसे भी पता है ना, शिव जी जी ऐसी जगह में जाके पूजा करते थे, मतलब ऐसी जगह में बैठ के अपनी आराधना करते थे, वो जगह ही बिल्कुल अलग होती थी। तो सेम अभी नज़ारा आपको दिखाऊंगी, दूर से दिखेगा गांव अलग और वो मंदिर बिल्कुल अलग, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामने से दिख जाएगा। ऐसे बीच में ऐसे बना हुआ है, सामने की लोकेशन दिखा दूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार। कोणार हम लोग यहां से जा रहे हैं नीचे की तरफ, सामने से आए हैं, ये रास्ता। और यहां से अगर मंदिर दिखता है, क्योंकि आपको पता ही है गांव में कैसे कैसे रास्ते होते हैं, मतलब पहाड़ों में जिग जैग, तो जल्दी से चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये देखो फ्लावर ऊपर, ये रहे ना फ्लावर, ये रहे इतने गुलाब के, ये वाइट गुलाब है। देखो हम मंदिर जाएंगे, लो मम्मी पकड़ो तो सही। हाँ वैसे होंगे यहाँ तो नॉर्मल सी चीज़ें फूल, मंदिर जाना है तो फूल रखना ज़रूरी है। ये देखिए हम जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कोणार वाले जरा व्यू देखिए, यहाँ पे बहुत प्यारा। वेलकम टू कोणार। आपको ये जगह कैसी लग रही है बताना मुझे, कि मेरा गांव या ये मंदिर की जगह लोकेशन में साफ। सुनहरी अंबर नीला हो ऐसा गांव है। यहाँ से देखो, यहाँ ना डॉगी मतलब हर घर में आपको ना दो दो तीन तीन मिलेंगे रखवाली के लिए। ओ माय गॉड, देखो ये देखो कुत्ता, देखो भाई ये तो कपूर खाएगा। हम वैसे भी जा रहे हैं इस घर में, ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। क्या है ये देखो, ये कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, सामने हम जा रहे हैं मंदिर। यहाँ छोड़ना है, अभी उधर को घूम के जाओगे, इधर लंबा है रास्ता, यहाँ से दूर है भाई, उस तरफ को आता है। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये है, और हम गलत रास्ते आ गए हैं। मैं यही तो कहती थी अभी इतना चलना पड़ेगा, वो देखो हम इतना नीचे आ गए हैं, अब यहीं से अब ऊपर जाएंगे भाई, ऐसी थकान हो जाएगी हमारे को तो। ये दिखाई दे रहा है मंदिर, अभी हम इससे बहुत दूर हैं क्योंकि गलत आ गए थे, तो ये वापसी चढ़ाई कर रहे हैं, हालत हो गई है खस्ता थोड़ी थोड़ी। उतरते हुए तो मजा आ रहा था, अब चढ़ना पड़ रहा है ना,
ये देखिए ये कहाँ रास्ता हुआ, मतलब ही नहीं वो वाला रास्ता उधर से। चलो हाँ आ गए। ये है रास्ता जिसमें कि आजकल हरियाली की वजह से घास हो रखी है, तो हमें रास्ता खुद बनाना हो रहा है। मम्मी यार कैसी जगह से ले जा रहे हो, पानी के पाइप चल रहे हैं। देखना यार मम्मी ये कैसी जगह से हमें ले जा रही है। घास की बन रही है यहाँ और बनेगी किसकी, ये देखो गड्ढे क्या नीचे जो सरने का रास्ता है। हमें जाना है वो पार मंदिर। ये किसी के खेत होंगे ही, कुछ नहीं कर रखा लोगों ने घास। मम्मी यार बहुत गलत जगह से ले जा रहे हो, बट आप कुछ अंदर कीड़े पीड़े होंगे तो अच्छा। रास्ता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मंदिर के रास्ता ना हो लेकिन हाँ तुम्हारे लिए बाटी है। देख लिया ना आप लोगों ने हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं, बिल्कुल घास है और मम्मी को तो डर लगता नहीं है। हमें ऐसे रास्ते जा रही है, कुछ काटा पीटा होगा ना फिर बताऊंगी मम्मी। रास्ता तो कहीं नहीं है मम्मी, तुमने खाली अपना बना रखा है, चल चल के आराम से। चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, रास्ता भूल गए थे, पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसे अकेले, लेकिन ये आ गया। जय हो भोले शंकर। हम लोग पहुंच चुके हैं, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। दोस्तों मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल मैं आपको अपने नए ब्लॉग में दिखाऊंगी मंदिर के दर्शन। बाय बाय।